কি প্রশ্নচিহ্ন নেই, প্রশ্নচিহ্ন কেন, প্রশ্নচিহ্ন নেই, প্রশ্নচিহ্ন কেন? আর যে বাবা বলছেন খুব কি সংশয় হো ও ক্রিয়া হোকে জানা, নেই তো আর টিকা ফায়দা করেগা আর দুঃখ দেগা। হুম, संशय बुद्धि थोड़े कहा जाता है, संशय बुद्धि उन्हें कहा जाता है। दो प्रश्न पूछने के दो प्रकार होते हैं, उनमें निगेटिव तरीके से पूछने वाले होते हैं, पॉजिटिव तरीके से पूछने वाले वो है जो अपनी बात को समाधान इसलिए करते हैं कि हमें दूसरों को समझाना है, हमारी बुद्धि में भी पूरी रीत से बैठा नहीं है, और जब हमारी बुद्धि में ही नहीं बैठा है तो दूसरों की सेवा कैसे करेंगे? इसलिए और एक पूछने वाले ऐसे होते हैं कि बाबा ने इस मुरली में ऐसे कहा और अभी ये बात ऐसे कहते हैं, माना उनकी बुद्धि में भेद पैदा हो गया। ठीक है, तो ये मुरली वर्तमान से कुछ ऐसा होता है वो प्रैक्टिकल में लाने में बहुत फर्क पड़ जाता है, उसके लिए वो मुरुदवाणी का थोड़ा सुनिए। तो 31/72 का अपत्तवाणी उसको हेडिंग दिया था अमृतदले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग, और बोला है सदाकाल के लिए बेहद का बैरागी बनो, और बोला है आज से विश्व का स्वर्ण आत्मा को बस स्नेह पर राज्य करो। हाँ, आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्याधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्याधिकारी दोनों ही रूप में बच्चों को देख रहे हैं। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना विश्व राज्याधिकारी बनते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्वपरिवर्तन की शक्ति चाहिए। उस दिन भी सुना था परिवर्तन शक्ति को अमृत वेला से लेकर रात तक कैसे कार्यो में लगाओ। पहला परिवर्तन आप खुद से ही, न आत्मा शरीर नहीं, न आत्मा दवा हूँ, ये आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प हो, इसी आदि संकल्प के साथ हर दिन का दिनचर्या का आधार है। अगर आदि समय में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन सहचर्य या विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे, इसलिए स्वपरिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाओ। जैसे सृष्टि का आदि में गौम से देवात्मा देवात्मा सदभगना पान में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वाला अधिकाल है। इसी अधिकाल में उठते ही पहला संकल्प तो याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे से मिलन बनाने के लिए, यही समर्थ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ बोल श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन आत्मा कौन, इसके बाद दूसरा परिवर्तन मैं आत्मा किसका हूँ, सर्व संबंध किससे है, सर्व प्राप्तियाँ किससे है। पहले देह का परिवर्तन, देह के संबंध का परिवर्तन, संबंध का आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन, इसको कहा जाता है सौ याद। ये देह का परिवर्तन, देह के संबंध का परिवर्तन, इसे सौ याद, ये परिवर्तन ये थियोरिसी प्रैक्टिकल में लाने में फर्क पड़ जाता है। अरे सुनो भाई, ध्यान से ये थ्योरी से प्रैक्टिकल में लाने में फर्क पड़ जाता है, वो फर्क दूर करने के लिए ये दरखास्त है। अब आप पूछना क्या चाहते हैं? ये थ्योरी है, थ्योरी से प्रैक्टिकल में लाने में जो फर्क है वो फर्क हटाने के लिए होते हैं। अरे तो सुधारने से खत्म थोड़ा ही होगा, फर्क को कारण देखना है कि ये फर्क क्यों पड़ रहा है, वो कारण का निवारण भी अमृतवाणी में बता दिया। हाँ जी, विजय माला का आवाहन करो क्या बाप और दादा क्या बताया, ये जो प्रैक्टिकल में और थ्योरी में अंतर पड़ रहा है, बेसिक नॉलेज में भी अंतर पड़ा और एडवांस में भी अंतर पड़ रहा है, इसका कारण क्या बताया जो निवारण के स्वरूप में बताई दिया? विजय माला का आवाहन, क्यों आवाहन करें? वो संपूर्ण है, संपन्न है, उन्हें ज्ञान लेने की दरकार नहीं है, है। आवाहन इसलिए करो कि लंगर चंदों में प्योरिटी की वो जन्म जन्मांतर की पावर नहीं है, इसलिए वो सुनेंगे और सुनाएंगे ज्यादा, लेकिन प्रैक्टिकल में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल में परिवर्तन करना
ये प्योरिटी का काम है, और जन्म जन्मांतर की प्योरिटी धारण करना, सन्यासियों ने प्योरिटी धारण की है क्या? इसलिए बोला है जब बड़े बड़े नामी ग्रामी सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, उनमें प्योरिटी तो है लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं है, इसलिए उनका आवाहन करो। बेसिक नॉलेज में जो भी स्टैंडर्ड वर्ग है वो सन्यासी है या गृहस्थी है? सन्यासी है। उनमें से कोई कोई नामी ग्रामी सन्यासी निकलेंगे, पक्के पक्के प्रवृत्ति मार्ग को मानेंगे तो, लेकिन अभी निवृत्ति मार्ग को ही प्रवृत्ति मार्ग समझे बैठे, इसलिए उनका आवाहन होगा, वो सहयोगी बनेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। कुबेर सुना है तो नाम तो सुना है, उसके आधार पर उसका काम भी जानते होंगे। हस्तदेव में जो कुबेर है वो कुबेर किस चीज का स्वामी है? वो कौन सा धन है? ज्ञान धन है, और वो ज्ञान धन सिर्फ सुनने सुनाने की चीज है, समझने समझाने की चीज है कि कोई और बात भी है? प्रैक्टिकल में अपने जीवन में धारण भी हुआ होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल धारणा है और धारणावान है उसको सुनने सुनाने की भी दरकार नहीं और दूसरों को समझाने की भी दरकार नहीं, वो अपने प्रैक्टिकल जीवन से ही दूसरों के ऊपर असर डाल देगा। इसलिए कुबेर धन का स्वामी है। अव्वल नंबर में बैठा हुआ है ईशान कर्ण में ईश्वर, ईश्वर से तो बड़ा कोई होता ही नहीं, उसके बाद दूसरा नंबर है कुबेर का। एक आदमी बोल और किसको कहा जाता है? बेहद किसको कहा हद कहा जाता है? जैसे लौकिक बात है उसको 2, 4, 8, 10, 20, 50 बच्चे, या क्राइस्ट को 200 करोड़ बच्चे हैं, वो हद में है, बेहद में नहीं। और परमपिता परमात्मा को 500, 700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है वो सब उसके बच्चे हैं, तो वो बेहद का बात है। हद माने थोड़ा और बेहद माने उसकी कोई सीमा न हो, असीम। हाँ जी, कल की माने कलयुग में, कलयुग में ही कलम का वलम का ज्यादा लगते हैं, सत्युग में तो कलम से की बात ही है, दोनों नाम अलग अलग होता है। नहीं नहीं, वो बिगड़ा हुआ रूप है। का रूप कैसा होता है? प्रकृति का रूप सात्विक से ततो सामान्य से रजो प्रधान बन जाता है, धृति कला की ओर बन जाता है। भूकंप होगा? हाँ भूकंप होगा, जब बैलेंस बिगड़ेगा तो भूकंप भी होगा। पलड़े हैं तकड़ी के, तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़ा जो है वो
पुण्य कर्म से भरा हुआ है और एक कर्म फलड़ा जो है वो ऊंचा है। अगर पुण्य कर्म वाला फलड़ा हल्का हो जाए तो बराबर रहेगा और ज्यादा हल्का होगा तो वो नीचे आ जाए, बैलेंस बिगड़ जाए। तो जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है 16 कला से 8 कला से नीचे आता है तो भूकंप हो जाता है। जैसे तराजू के पलड़े ऊपर नीचे होते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। जब भूकंप हो जाएंगे तो भूकंपों में ज्यादातर तो हिस्सा पृथ्वी के अंदर ही चला जाएगा ना। जो महल मानिया अटारिया बने बनाए हैं प्राकृतिक रूप से गुफाओं के अंदर, वो सिर्फ महाराष्ट्र में देखने में आ रहे हैं या सारे भारत में देखने में आ रहे हैं? थोड़े से अजंता एलोरा एलिफोंटा की गुफाएं रह गई, वो भी थर्ड क्लास, सिर्फ निशान मात्र चित्र रह गए। और देवी देवता जो थे तो देवी देवता एक जो देवी कांति है जो बच्चा है तो वो भी मिट्टी के अंदर चला जाता है क्या? जो ज्यादा पावरफुल होंगे वो ही बचेंगे या सब बचेंगे? पावरफुल होंगे जिनके पुण्य का पलड़ा ज्यादा भारी होगा वो बचेंगे। तो उसमें जो बच्चा है वो उसको तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता है क्या? अरे खाने पीने के लिए फल फूल और पत्तियां खत्म हो जाती है रहेंगे और चिंता हो रही है। भारी विनाश होता है, आध विनाश, आधा विनाश तो वो तो होता है। तक आध विनाश नहीं होता, उसको विनाश नहीं कहेंगे, विनाश नहीं कहेंगे, विनाश तब कहेंगे जब आध कला से नीचे आ जाते मतलब पूरे ही खराब हो जाए। इच्छा मृत्यु होता है फिर वही पर वो पाप नहीं होता है, फिर अर्ध बिना मर जाएगा। कुछ ऐसे भी तो है जिन्होंने संगम युग में कम पुरुषार्थ किया है, सभी ने एक जैसा पुरुषार्थ किया है क्या? जिन्होंने कम पुरुषार्थ किया है वो त्रेता तक जन्म लेते लेते देहवान में ज्यादा आ जाते। और रापुर से कैसा विनाश नहीं होता है? ऐसा तो जन्म मरण चलता ही रहता है, टोटल विनाश होता है कलयुग के अंत में जब सब आत्माओं को वापस जाना है। जो अर्ध विनाश होने के बाद नहीं, समय कुछ बनता बनाने की दरकार नहीं होती, ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से बनता है। अर्ध विनाश होने के बाद बनाया जाता है। हाँ जी, तो ये बाद जो पास्ता है उसका वो नेताजी का कोई पावन नहीं होता है ना? ये चित्र है ना गुफाओं में, लक्ष्मी नारायण के चित्र है, शंकर के चित्र है, उनकी कथाएं हैं। जो पास्ता है उसका वो नेताजी का कहानी सब याद होता है उसका? वही तो चित्रों के रूप में चित्रित किया गया है जो बाद में साफ बनाए गए। जब तक पूरा पढ़ाई नहीं होगा पूरा पढ़ाई शिक्षक, पूरा पढ़ाई मतलब देवान बिल्कुल खराब हो जाए।
जिसका जिसका देहभान खराब होता जाएगा, समझो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। जब तक जीना है तब तक जीना है, कितने जीना है, देहभान में जब तक जिंदा है तब तक पढ़ाई। चार जो सब्जेक्ट है ज्ञान योग नाम सेवा, वो तो पढ़ाई में होता है, पढ़ाई में तो चार सब्जेक्ट है, ये चार सब्जेक्ट भी तो पास होना है। डायनासोर उस समय की बात है जिस समय जानवर बुद्धि बनना शुरू होते, द्वापर युग के आज से ही डायनासोर शुरू हो जाते। उसके पहले डायनासोर जैसे जानवर नहीं होते थे और उनकी संख्या सीमित थी। जिस जंगल में रहे होंगे वो सारे जंगल में जब आग लगी तो सारे के सारे डायनासोर खराब हो गए, कोई एक आध बचा चौपाया, उसका संसर्ग जो है वो दूसरे प्राणियों से होने लगा, मगरमच्छ जैसे मगरमच्छ, और वो जाति बदल गई, वो जाति खत्म हो गई। हाँ, जहाँ कहीं भी यादगार रखी हुई है वो यादगार किसने बनाई है, बनाने वाले कौन है? अरे वो बनाने वाले यादगार कौन है, मनुष्य है कि देवता है कि भगवान है? मनुष्य ने बनाई है, मनुष्य तो भिखारी बुद्धि है, भिखारी बुद्धि जो कुछ बनावट बना देगा तो बनावट में उसकी समझ में अंतर हो सकता है या नहीं हो सकता है? होगा होगा, अंतर हो जाएगा। वो ही वैज्ञानिक कहते रहे और सबने माना डार्विन थ्योरी को कि मनुष्य पहले बंदर थे, उनको पूंछ थी, धीरे धीरे पूंछ खत्म हो गई, वो मनुष्य बन गए। बाद में वैज्ञानिकों ने इनकी थ्योरी को काट दिया। तो मनुष्य भूल करता है और मनुष्य भूल सुधारता है। तो लाखों वर्ष पहले की हड्डियां मिली है डायनासोर की, ये उनका कैलकुलेशन में कोई गलती है, टाइम आएगा तो अपनी गलती को सुधार लेंगे। और तो नंबर वार है जिनकी आत्मिक स्थिति रहती है उनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करेंगी, या जिनकी आत्मिक स्थिति पूरी नष्ट हो जाती है उनमें प्रवेश करेंगी। सभी धर्मों के बीच में ऐसा धर्म कौन सा है जो सबसे जाति पतित बनता है? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म की कोई ऐसी आत्मा भी होगी जो ज्यादा पतित बनने का काम करती होगी। हिंदू धर्म के वो देवता है जो सेकंड नारायण है और उसके राज्य में आने वाले हैं, वो द्वापर युग में आते आते दृष्टि का सुख तेजी से भोगते भोगते एकदम पतित बन पड़ते हैं। उनका जो मुखिया होगा वो सबसे ज्यादा गिरा हुआ होगा कि नहीं, उसी में ब्रह्मचर्य तोड़ पहले कर जाती, उसने आत्मिक स्थिति का नाम निशान नहीं रहता। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों में प्रवेश कर जाएगी, सूर्यवंशियों में तो लास्ट जन्म में जाकर के प्रवेश होते हैं, वो भी चंद्रवंशी। और डायनासोर अच्छी तरह बुद्धि पैदा हो जाए,
क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं डायनेसर भाई? डायनेसर कैसे आया? जैसे जैसे और जानवर आए वैसे डायनेसर भी आए। सतयुग त्रेता में मगरमच्छ होते थे क्या? होते थे मगरमच्छ तो नहीं होते थे, वो कैसे आए? तो जैसे मगरमच्छ आए वैसे जाने को आए तरीके मिलेगा। मगरमच्छों को शरीर कैसे मिला? जैसे मगरमच्छों को शरीर मिला ऐसे डायनासोर को शरीर मिला। माता जी कि मगरमच्छ या डायनासोर का शरीर कैसे मिलता है और जानवरों को शरीर कैसे मिलता है? जब बता दिया डायनासोर सब खलास हो गए, एक आदमी कोई बचा उसका संसर्ग दूसरे चौपाइयों से होने लगा। जैसे घोड़े का संसर्ग किसी गधे से हो जाता है तो घोड़ा पैदा नहीं होता, खच्चर पैदा होता है। हाँ जी। जाति बदल जाती है, ऐसे ही उनकी जाति बदल गई, बदल करके वो मगरमच्छ बन गए। भारत में एक्चुअली वो जो सिंह बालाजी का मंदिर है ना, मंदिर को नारायण है ना, तो लगा हुआ है, तो मतलब है मतलब क्या है? माखी पाठ को तिलक लगा हुआ बालाजी के मंदिर में नारायण का माथे पर तिलक लगा हुआ है ना, आत्मिक स्मृति का तिलक लगा हुआ है, उन्होंने आत्मिक स्मृति सबसे जास्ति धारण की होगी। ऐसे इसलिए उनके माथे पर आत्मिक स्मृति का तिलक लगा हुआ। और बोलो ये बंगाली जानने वाले भी सुने थोड़ा। गली गली में गीता पाठशाला। हाँ जी, गली गली में गीता पाठशाला होना चाहिए, नहीं होगी। भारत की गली गली में गीता पाठशाला होगी, माना हर गली में गीता पाठशाला चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि जब विनाश होगा तो भारतवर्ष में चारों ओर मिलिट्री शासन होगा, बंदूक लेके हर गली में खड़ा हुआ होगा, बाहर नहीं निकलना। तो हर गली में गीता पाठशाला होगी तो सामने के दरवाजे से निकले और उन्होंने झांक के देखा तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, बचेंगे। इसलिए गली गली में गीता पाठशाला चाहिए। ऐसे टाइम पर भी तुम्हारी रोज मुरली का सुनना मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला गली गली में गीता पाठशाला चाहिए। मक्का कहते हैं मक्कर को, क्या? और ताम्र कहते हैं लाल जो तांबा होता है, उसको कहते हैं ताम्रध्वज। एक है क्रोध की निशानी और एक है कांगी की निशानी। गज कहते हैं झंडे को, क्या? जिनका झंडा है कामी और क्रोधी का, महाकामी है और महा क्रोधी है, उनको कहा जाता मकर ध्वज और ताम्र ध्वज। ऐसों का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। और है
उल्टा हो गया, पिंक कलर नीचे चला गया, झंडे का लाल रंग क्या, झंडे का लाल रंग जो ऊपर होता है वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया, और झंडे का हरा रंग नीचे होता है वो कहाँ चला गया, ऊपर। ऐसा कुछ बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए दिखाई दिया पहले से कि बैलेंस कुछ बिगड़ने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। हाँ जी, संगम युग सौ साल का है। संगम युग के सौ साल के अंदर जो प्रत्यक्ष होगा और जिसका शास्त्रों में गायन है वो संगम युग कैसे होगा। इसलिए कहते हैं कि वो काला पाठ बजाता है पहले, उस काले पाठ को कोई समझ नहीं सकता। उस काले में एवर प्योर गोरा कैसे समाया हुआ है, इसलिए कृष्ण नाम रखा है। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करने वाला, तो काला आकर्षण करता है या गोरी आत्मा आकर्षण करती है एवर प्योर, वो शिव की सोल एवर प्योर वो आकर्षण करने वाली आत्मा है। वो आकर के कृष्ण जैसे बच्चे को आप समान बनाकर जाती है। जब आप समान बन जाए तो शिव का काम खलास हो जाता है। सुना है का जाका घूमता है, तो संगम जो के जब हम लोग उसी तो पावन होता है, बाबा आते हैं हम लोग को ध्यान देते हैं, तो उस समय जो कर्मेंद्रियों से जो पाप होता है, तो पाप के याद करते हुए भी कर्मेंद्रिय से पाप होता है, तो एक ही प्रेषक जन्म का जो चाका घूमते हैं उसके लिए होता है। हम कोशिश करते हैं फिर भी हो जाता है कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से। तो याद की जो परसेंटेज है वो 100% नहीं होती है, ये पाप कर्म बन जाता है। और बाप ने तो कहा है कि पाप कर्म करने की दरकार ही क्या है, जबकि मालूम है कि ये पाप कर्म है तो न करो। फिर जानबूझ करके भी श्रीमत के खिलाफ कर्म करते हैं तो करोना बोझ चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। बाकी ये प्रैक्टिस तो मुसलमान लोग करते हैं क्या, ये आग का अलाव बनाते हैं और उस अलाव में नंगे पांव चले जाते हैं श्राप करने के लिए। मुसलमान धर्म के होंगे वो फिर ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे क्या। ये तीन चित्र एक्टिवेट नहीं है, मैंने बोला ये तीन की चित्र एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट बनाना है, एक सब एक्टिवेट बनेगा, एक मूर्ति का एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए, तीनों मूर्तियों का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए। हाँ जी, एक मूर्ति का नहीं, तीनों मूर्तियों का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए। वो तब ही बनेगा जब बनाने वाला एक्यूरेट होगा। अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ये जिनका चेहरा घोड़ा होगा, खुद की चलन घोड़ी होगी, वो जरूर सी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। अच्छा, घोड़ा का मतलब है देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ जी, चलन भी अच्छी होनी चाहिए, दृष्टि भी अच्छी होनी चाहिए, वाइब्रेशन भी अच्छे होने चाहिए, उनकी सेवा का स्टाफ भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए, तभी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे।
ऐसे तो सुना जाता है कि हैदराबाद वालों ने तीन मूर्तियों का चित्र छपाई दिया। छपा तो दिया, फिर छपाने वालों में कोई विषम पार्टी में आना जाना करने लगा हो तो दुर्गति हुई या प्रगति हुई? है दुर्गति हो गई। इसे छपाने से अगर बाप प्रत्यक्ष हो जाए तो बड़ा साधन संचार निकला, सहज निकल आया। फिर तो पैसे वाले जितने भी होंगे वो सब छपा देंगे। जो एक जन्म देने वाला एक पालन करने वाला जो जन्म देने वाला है माँ बाप, वो अभी भी विकारों की जेल में पड़े हुए हैं। क्या विकारों की जेल में है? उनको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। अभी भी अंधेरे में, अंधेरी कोठरी में पड़े हुए हैं। जो पालते हैं वो पालना ले रहे हैं भगवान बाप को। तीन सौ 394 नंबर कैसेट में है। पहला जन्म में छत्र जी का 2023 साल में पहला जन्म में 1,00,000 घुसेगा। है 1,00,000 घुसेगा 50,000 विक्रम माला का, 50,000 विजय माला का। हाँ जी, तो हमारा तो 9,00,000 तो तैयार हो जाएगा पहले। 9,00,000 होंगे पहले जन्म के अंत में। छत्र जी का अंत में जब इनस का बाद 18 साल में कांचन का हो जाएगा तो 9,00,000 तो कांचन का 4,50,000 से तो 4,50,000 कांचन का बाद का पैदा होकर 9,00,000 कांचन जब कंचन काया हो जाएगा विनाश हो जाएगा तो गिनती करने वाला कोई रहेगा? नहीं नहीं, जानने के लिए पूछ रहा। जानने के लिए जो पूछा जा रहा है वो अंदर से समझने की बात है कि जिनको जितना पुरुषार्थ करना होगा पहले जन्म का माने 84 जन्म लेने का, वो संख्या से आने से पहले ही उनका पुरुषार्थ पूरा हो चुका होगा। अब ये बात दूसरी है कि अंत में उन्होंने अपना पुरुषार्थ पूरा किया, पहले पहले पूरा नहीं किया, इसलिए हो सकता है शरीर छोड़ना पड़े। तो मतलब 1,00,000 तो जाएगा तो बाकी तो 9,00,000 क्योंकि बोला क्या दो चार साल से ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल तक और 1,00,000 तैयार हो जाएगा। 150 बरस का जो आपको कोई भी हिसाब निकाला जाए 150 वर्ष के अंदर जो टोटल आबादी है वो 9,00,000 होनी है। तो ठीक है, लेकिन और जो बाकी 2,00,000 चला गया वो आते रहेंगे। जिनको जन्म लेना है वो भी आते रहेंगे, जिनको जन्म देना है वो भी आते हैं। बात यही है तो वो जो 7,00,000 रहेगा बाकी 7-8,00,000 है वो लोग कहाँ रहेगा? कहाँ 7-8,00,000 रहेगा? तो 1,00,000 तो जाएगा। 1,00,000 तो शरीर से रहेगा। जिन्होंने अपना पुरुषार्थ बहुत पक्के रूप में पहले ही कर लिया, सूर्यवंशी अथवा वो चंद्रवंशी जिन्होंने अपने को सूर्यवंशियों के संग के रंग में पूरा डाल दिया, सरेंडर हो गए, आधीनता स्वीकार कर ली। बाकी जो और धर्मों के हैं बीज वो उतना ही पुरुषार्थ करेंगे जितना सूर्यवंशी करेंगे, वो तो नहीं कर पाएंगे। तो उनका जो छिलका है वो ज्यादा कड़क है, इसलिए उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। वो शरीर कब छोड़ेगा? विनाश में हाँ जी, विनाश में ही शरीर छोड़ेंगे। तो विनाश के बाद कितना जाएगा? अभी तो बता रहे 50,00,000 और 50,00,000 1,00,000 तो रुद्रिया के जब रचते हैं तो 1,00,000 पक्के सालिग्राम बनाते हैं, इससे ज्यादा बनाने की गुंजाइश ही नहीं होती है। तो बाकी सब क्या परमानंद रहेगा? रहेंगे तब तो धीरे धीरे आते रहेंगे।
जन्म पूरे 84 लेंगे लेकिन वर्ष उनके कम हो जाते। नंदी ग्राम में क्या हो गया, क्या हो रहा है, फिर भी अखबार में आपने बता देखा हो तो बताओ। है सब काट दिए? अच्छा है माता कौन गई? हाँ तो महाभारत में कोई नंदी ग्राम दिखाया है? अरे गोकुल और नंदी ग्राम दिखाया है या नहीं दिखाया? हाँ तो जब कंस गुस्से में आता है और अपने सैनिकों को भेजता है तो नंदी ग्राम में आग लगवाता है, मारकाट मचाता है या नहीं मचाता है? तो सुनती हो रही होगी, तो बेहद का नंदी ग्राम है, वो हद का है। और निवृत्ति मार्ग उनको कहते हैं जो निवृत्ति में हो, माना पति पत्नी इकट्ठे न रहते हो, सन्यासी हो। पत्नी पति पत्नी के संबंध की उन्हें दरकार ही नहीं। कुमार के अम्मा बाप मर गए क्या? कैसे होगी इसका मतलब मर गए? अरे मर गए कि जिंदा है? जिंदा है तो भाई के लिए फिर पूछना किस लिए? बाबा जब बमों का विस्फोट होगा तो जैसे कि जो पालना जो होगी तो इसी शरीर से एक जन्म मिलेगा ना? है इसी शरीर से एक जन्म मिलेगा ना बाबा? हाँ तो वो जो पालना जो होगी हाँ, तो जो बमों का विस्फोट होगा उसके बाद जो 7 दिन तक लगातार बारिश होगी हाँ, तो बर्फ की बर्फ जब जमेंगे हाँ, अष्टदेव छोड़ के बाकी जो बर्फ में दब जाएंगे। अष्टदेव छोड़ के? अष्टदेव भी बर्फ में दबेंगे। अरे अष्टदेव को छोड़ क्यों दिया? सजा हुई, कोई सजा है? जो आत्म की स्थिति में टिक जाता है उसे शरीर का दुख फील होता है क्या? शारीरिक दुख जो है वो उसको फील होगा? फील ही नहीं होगा। बस में ढकने के बाद हाँ, जब वो निकलेंगे हाँ, तब उसकी पालना होगी या कब होगी पालना? इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति में कोई स्थान योग युक्त भी तो होगा कि सारे भी योगी बन जाते हैं। जो योग युक्त स्थान होता है वो दो प्रकार का, एक सुखधाम और एक शांति धाम। शांति धाम तो माउंट आबू में होगा और सुखधाम जमुना के कंठे पर कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ का पड़े जो संगठन होगा वो सुख चैन से रहेगा, चाहे की तरह भी बिना दूसरा रहे। बाबा बोला गया कि विनय से पहले जिन्होंने अपना संकल्प का खून को जाम कर लेंगे तो बर्फ वो आत्मा है बर्फ के अंदर नहीं होगा, बर्फ के अंदर में नहीं डालेंगे, बर्फ का आकर ही नहीं होगा तो क्यों डालेंगे? उनके उनके ऊपर गांठ क्यों गिरे? जब विनाश होता है तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहते हैं, उनके ऊपर प्रकृति की मार तामसी प्रकृति होने के लिए सात्विक बन जाती है। बाबा जो बर्फ में ढकने के बाद उनको तो ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी भूल जाएंगे सारा बात, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि उनसे पालना मिल रही है? अल्लाह मिल जाएगी जरा, ये पता करने की जरूरत क्या है? ये हिस्ट्री बनाने की जरूरत क्या है?
पतित दुनिया की बनाई जाती है, पतित मनुष्य बनाते हैं या पावन देवताएं बनाते हैं? पतितों की स्थिति होती है क्योंकि दुख फील होता है, उनका समय का वो ध्यान रखते हैं, इस समय ऐसा हुआ, इस समय ऐसा हुआ, दुख ज्यादा याद रहता है, याद हो ही रहता है। पालना एक तरह से भी माना जा सकता है, पालना सारी प्रकृति करती है, मनुष्यों को कोई पालना नहीं करनी पड़ती। तो जो विष्णु द्वारा देवी कृष्ण की पालना होती है ना, वो यहाँ की बात है, संगम युग की, तो वो तो अभी प्रैक्टिकल माना जा सकता है। जो अभी प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, सन 18 में जब पहला राधा कृष्ण का जन्म हो तब अनुभूति होना शुरू होगी, अब इंद्रिय सुखी। तो वर्ष में सब तक धस चुके होंगे ना, जब एटमिक विस्फोट इकट्ठे होंगे तब पृथ्वी पूरी डोलायमान होगी या उसके पहले डोलायमान हो जाएगी। तो कृष्ण का जन्म कहाँ, पच्चीस दुनिया में होंगे? कौन से कृष्ण का जन्म? सतयुगी कृष्ण का जन्म पति दुनिया में जो होता है, उसका जन्म तो सतयुग में ही होगा। 2018 तक उनका ऐसा अंदाजा किया जा सकता है? वो तो आप अंदाजा लगा रहे हैं। तो बाबा 2036 तक तो फिर उनको अपना बच्चा तो नहीं बैठेगा ना, छुट्टी बच्चा तो नहीं ना बैठेगा राजकुमार का, वो जो मिलेगा विक्र महाराजा विक्र महारानी उसको जो गद्दी संभाल देंगे 2037। गद्दी बद्दी में आपको नहीं होती है, चित्र में देखो, चित्र में लक्ष्मी नारायण खड़े हुए दिखाए गए हैं, छत्रकार दिखाए गए हैं या राम सीता को त्रेता में छत्रकार दिखाया है। फिर भी बच्चे के रूप में तो नहीं होंगे बाबा? कौन? राधा कृष्ण जो सतयुगी होंगे 2036 जो बच्चे के रूप में नहीं होंगे ना, बड़े ना होंगे, 36 के बाद पैदा नहीं होंगे। जो पहला जो कृष्ण है, पहला पत्ता पैदा होगा कि नहीं सतयुग के आदमी? पहले तो होगा ना। हाँ तो होगा, उनका स्थान सुरक्षित होगा। पहले बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ 2018 में, कृष्ण का जन्म होगा और सत्ययुगी चक्र यहाँ संगम युग में ही सत्य वो होता है, सत्य प्रधान स्टेज वाली आत्माएं होंगी, वो बेहद को हद में पकड़ लिया है। तो क्या है, हम लोग का ऐसा कंसेप्शन था, कंफ्यूजन था 2018 में जन्म होगा, 2036 में जाके ऐसे माताओं को ललक रहती है, छोटा बच्चा हो जगाने को मिले, देखने को मिले, ऐसे आत्माओं ने अपना कंफ्यूजन पैदा कर लिया। तो वास्तव में 2018 में संगम की कृष्ण राधा कृष्ण प्रत्यक्ष हो, संगम युग में शास्त्रों में जिस कृष्ण का गायन है वो कृष्ण का जन्म गाया हुआ है। तो वो क्या आश्रम है? उसका कोई गायन नहीं है शास्त्रों में, वो गायन नहीं है। तो 2036 में पैदा होगा, 2036 के आस पास पैदा हुआ, उसके हाँ उसी टाइम एक तरफ स्थापना अंत के नजारे और दूसरी तरफ विनाश के नजारे, और दोनों सूक्ष्म में भी है और बेहद में भी, हद में भी। अब बाबा जो मैंने संगम की जो लोक विनयन पहला बच्चा पैदा करेगा, पहला नंबर की जो सतयुगी मैंने पहले जो सतयुगी राधा कृष्ण होगा वो होगा, और बाद में नंबर बार वो जो शरीचंद्र को जन्म देगा नंबर बार नंबर और धर्म के भी आते रहेंगे। हाँ जी, एक प्रकार तक विश्व महाराजन जो विश्व है वो संगम युग में होगा या विश्व सतयुग में होगा? संगम युग का विश्व महाराजन है, सतयुग में विश्व महाराजन नहीं होता। हाँ होगा तब तो बच्चा होगा, आपने बोला 2018 राधा कृष्ण का जन्म होगा, राधा कृष्ण का जन्म होगा, यहाँ तो बेहद का बच्चा है और बेहद का बाप है, क्या ना हद का बच्चा है और ना हद का
बाप है। यहाँ वेद का बच्चा और बाप का जन्म इकट्ठा है या आगे पीछे? इकट्ठा है, इकट्ठा है। संक्षेत्र में अगर प्रवेशता भी हुई तो बच्चा और बाप की प्रत्यक्ष प्रवेशता संक्षेत्र में दोनों की हुई या एक की हुई, एक की नहीं हुई? तीसरा नेत्र शिवनेत्र भी प्रत्यक्ष हुआ और साथ साथ अर्ध चंद्रमा भी प्रत्यक्ष हुआ, तब कहा जाता है शंकर। नहीं तो शंकर नाम नहीं प्रत्यक्ष हो सकता। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा गया हुआ है। 98 में जो जन्म है वो ब्राह्मण का पहला जन्म ब्राह्मण नहीं माना जाता पक्का। यहाँ तो जो भी ब्राह्मण है पायसधारी वो ब्राह्मण है या शूद्र है, जनेऊधारी है या नहीं है, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो पक्का पक्का जब तक तीन सूत्रों का धागा जीवन में प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं किया है या पक्का पवित्र ब्राह्मण जब तक नहीं बना है तब तक द्विजन्म नहीं कहा जा सकता। दूसरा जन्म जब तक ब्राह्मण का पक्का नहीं हुआ तब तक उसका दूसरा जन्म माना ही नहीं जाएगा। पहला जन्म हुआ 98 में, 76 में तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो बुद्ध रूपी क्षेत्र में प्रवेशता है नहीं, जन्म कहाँ है? वो तो लक्ष्मी नारायण का जन्म बताया, राधा कृष्ण का जन्म तो नहीं बताया। और दो सूत्र वाले ब्राह्मण हम लोग बने, दो सूत्र ब्राह्मण, ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण बनता है पक्का ब्राह्मण बनता है तो तीन सूत्र इकट्ठे धारण करता है कि एक सूत्र पहले धारण करता है फिर दूसरा सूत्र धारण करता है फिर तीन सूत्र धारण करता है। ब्राह्मण बोलते हैं ना, ब्राह्मण का दोबारा जन्म बोलते हैं ना, बीजो दोबारा जन्म होता है तो तीनों सूत्र इकट्ठे धारण करता है या एक एक करके धारण करता है? तीनों सूत्र इकट्ठे धारण करता है। सूत्र ब्रह्मा का ज्ञान पक्का हो जाए, विष्णु का ज्ञान पक्का हो जाए और शंकर का ज्ञान भी पक्का हो जाए, तीनों सूत्रों का पक्का पक्का धारण हो जाए। तीनों का 500 पैसा होगा। संगम की राधा कृष्ण का तो क्या भारत दुनिया में प्रत्यक्ष होगा? वो पहले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता होती है, ये पहले बाहर की दुनिया में होती है। तो 2018 में पहले ब्राह्मण की दुनिया में प्रत्यक्षता शुरू हुई। अरे ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मणों की बात को ब्राह्मण संप्रदाय वाले ही पहले पहचानेंगे या बाहर की दुनिया वाले पहले पहचानेंगे? लेकिन 2008 के आसपास 8-9 के आसपास जो भी विष्णु मूर्ति प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष जब 76 में मूर्ति हुई थी दूसरी तो सबने पहचान लिया या थोड़ों ने नंबर बार पहचाना था? अभी हो जब 47-48 में दादा लेखराज ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में पहचानने वाले थोड़े से थे या बहुत थे? थोड़े से थे, लेकिन प्रत्यक्षता तो कही जाएगी ना। तो 2008-09 से 2018 तक ब्राह्मण परिवार का अच्छा रूप से अच्छी तरीके से प्रत्यक्षता हो जाएगी तीनों मूर्ति। और 2018 का बाद दुनिया में दुनिया धीरे धीरे फैले ना। इस बार अखबारों में पढ़ने मात्र से लोगों की समझ में आ जाएगा क्या? ये ज्ञान आमने सामने बैठ करके समझाने का है या सिर्फ पढ़ने और सुनने से किसी बुद्धि में बैठ जाता है? सिर्फ लिटरेचर देने से किसी की बुद्धि में बैठेगा नहीं, आमने सामने बैठ करके समझाना पड़े। ये ज्ञान किताबों में पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, पुस्तकों में बंधा हुआ नहीं है, इसमें एक एक बात का जवाब देना पड़े और पुस्तकें जवाब नहीं देती, अखबार भी जवाब नहीं दे सकते, टेलीविजन भी जवाब नहीं दे सकता, एक एक के अंदर अलग अलग प्रश्न पैदा होते, तो आमने सामने बैठ करके बात को समझना पड़े। नारायण
राधा कृष्ण को, वो सेकंड नारायण हो जाएगा, नंदन भी राधा कृष्ण, वो जब हरिषि से जब वो तो नारायण हो जाएगा ना, हाँ जी, तो सेकंड नारायण कहेंगे नारायण सत्ययुग का है या संगम युग का, कौन से नारायण की क्या बात कर रहे हैं? पहले नारायण तो है जो विश्वराजन महाराजन होंगे वो तो पहला नारायण, हाँ जी, सेकंड नारायण जो संगम जी की नारायण सत्ययुग में जो पहला नारायण होगा वो राधा कृष्ण ही पहला नारायण बताया जाएगा। और जो अभी जो हमारे अभी जो लक्ष्मी नारायण है संगम युग का, वही मतलब 2018 को पहला बच्चा राधा कृष्ण का बांध रहा मतलब मन घूम रहे तभी सुप्रीम कोर्ट परम धाम जा रहे इनको कंप्लीट बना कर चलो तुम्हें दिखाई पड़े तो अच्छा है। संगम युग का जो राधा कृष्ण है यही तो है आत्मा अलग है या एक ही आत्मा है? संगम जो राधा कृष्ण एक ही आत्मा है, वही एक ही आत्मा है। राधा संगम भी राधा कृष्ण और सत्य भी राधा कृष्ण वो अलग है। संगम युग जो राधा कृष्ण वही लक्ष्मीनाथ मान है। बात की गुरु को पास हमारा बाजार है, लेकिन कृष्ण के रूप में पाठ बजाने वाली जो आत्मा अभी पढ़ाई पढ़ रही है वो अलग है या एक ही? वो तो अलग है। तो जैसे यहाँ अलग है वैसे वहाँ भी अलग साबित हो जाएगी। लेकिन एक कृष्ण जो 2018 को जो बच्चा है कृष्ण 2018 को जन्म लेने वाले, जैसे थोड़ा पहले ने आप बोला कोई कोई माता बैठे होते हैं बच्चा को खिलाएंगे, बात दूसरा बात है यहाँ की बात है, कोई कोई माता सोचते हम बच्चा खिलाएंगे दूसरा बात हो गया, खिलाने पिलाने की बात ये तो देवान की बात होगी। हाँ जी, लेकिन ये जो कृष्ण है ये जो संगम युग का कृष्ण है ये राम वाली आत्मा ही है ना? हाँ, राम वाली आत्मा के थ्रू, हाँ जी, राम वाली व्यक्तित्व के थ्रू, हाँ जी, कृष्ण वाली आत्मा अलग से प्रत्यक्ष हो जाए, ये लोगों को समझ में आए। हाँ, जैसे हमारी समझ में आता है कि ये कृष्ण की आत्मा के वचन है, क्या जैसे मुरली में आता है लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है और फिर मुरली में आता है लक्ष्मी नारायण तो समझदार, तो समझदार किसने बोला और बुद्धू किसने बोला और किसके लिए बोला? तो ये बात हमारी समझ में आती है। तो ऐसे ही ब्राह्मण को दुनिया में प्रत्यक्ष होगा हमारा पहले राधा कृष्ण, तो हम लोग को बुद्धि में ही अभी आता है हमारा बुद्धि में जो यही राधा कृष्ण है संगम युग, मैंने दैहिक रूप में ही समझ में आता है, आत्म रूप में समझ में नहीं आता। मेरे आत्मी हुआ नहीं तब हो जाएगी क्योंकि 2000 विनाश शुरू होगा और धर्मराज की मार पड़ेगी तो सब खड़े हो जाएंगे, रात में किसी को नींद आएगी ही नहीं अमृत मिले। अभी तो आराम से आई तो आराम से आराम से समझ नहीं नहीं राम के भक्त अलग है आत्मा और कृष्ण की भक्त आत्मा अलग है, जो राम के भक्त है वो राम को ही संगम जी करके देखेंगे और जो कृष्ण के भक्त है जो अभी शरीर छोड़ते जा रहे हैं और कई छोड़ करके कोई न कोई में प्रवेश करते हैं तो वो कृष्ण को अलग रूप में देखेंगे, बल व्यक्तित्व एक ही हो लेकिन आत्मा को अलग समझेंगे। इसलिए जो कृष्ण के भक्त हैं उन्होंने द्वापर युग में जो शास्त्र बनाए हैं उसमें कृष्ण की महिमा ज्यादा कर दी क्या, और जो राम के भक्त है उन्होंने राम की महिमा ज्यादा कर दी। नहीं बाबा ये संगम युग कृष्ण का ही है ना? ये एक है लेकिन आत्माएं तो दो अलग अलग है ना? वो तो एक है सतयुग का जो कृष्ण है राम अलग है, वो आत्मा अलग है ना? 2018 को हम लोग 2018 में पूरा कौन सा कृष्ण होगा जिसकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि गीता का भगवान साकार में अलग है? दादा लेखराज गीता का भगवान नहीं है। हाँ जी,
किसी बुद्धि में बैठे राम को बैठेंगे, राम को अभी नहीं बैठा है, मतलब राम का दौर को बैठेंगे, राम को जो दौर होता है वही बैठेंगे, राम के दल को अभी नहीं बैठा बुद्धि में बैठा है, लेकिन संगम जो का तो कृष्णा ही है। अरे दो अलग अलग है, पार्ट में नहीं वाली साकार एक आकार, हाँ एक आकारी कृष्णा है, हाँ एक साकारी, हाँ लेकिन हमारे जो साकार हो रही है तो हम आकार को कैसे देखेंगे, तो तब तक संपन्नता होगी कि नहीं होगी, जब कंठ की संपन्नता होगी तो कंठ के बालों की संपन्नता होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी तो कंठ के जो बालों से है देख सकना नहीं, लेकिन हम तो राम का बोल रहा हूँ, तुम अपने राम की गाथा गाओ, वो अपने कृष्ण की गाथा गाओ, लेकिन है दोनों ही अंधे, लेकिन संगम में कृष्ण सही है, चाहे संगम की कृष्ण माने चाहे संगम में राम माने, लेकिन ना राम उद्धार करने वाला है ना कृष्ण उद्धार करने वाला, उद्धार करने वाला कौन है, क्यों बाप, लेकिन फूल आग में राम कृष्ण के चक्कर में बुद्ध डूब सकते हैं, फूल आग में तो हम और लड़ाई लड़ेंगे, क्या आया है संगम जी की पिछले कहता है, संगम जी कृष्ण जो है, संगम जी जो कृष्ण है उसको हम राम भी नहीं कहेंगे और उसको हम शिव भी नहीं कहेंगे, न वो शिव है न वो राम है, राम कृष्ण मिल करके हम लोग को जब सिखाई देंगे धारणा का राजा तब समझ में आएगा, राम सिखाई को नहीं देता है, हम लोग बात नहीं है, तब तो ये जो काम कराने वाला तो सुनिश हो गए, वो तो करा लेंगे सारा बात उनका ही, हम लोग को जो बोलो थे जो राम और कृष्ण का जो हम लोग बांधे तो ज्ञान का अंधे है, तो ये पिटाई के बाद सुन लेगा क्या, पिटाई के बाद समझ में आ जाएगी, अभी नहीं समझ में आता है, एक बात सारी बात खत्म हो जाती है, नेक्स्ट टू गॉड इज कंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, तो ये चारों ही नाम एक व्यक्तित्व के हैं, एक व्यक्तित्व का है, लेकिन रावण के आत्मा में प्रोड्यूस जो है ना व्यक्तित्व तो एक ही है ना, तो वो व्यक्तित्व में जिनकी बुद्धि जाती है वो अपने को फेर बन गए, हाँ और जिनकी बुद्धि आत्मा को पकड़ती है तो वही बात है, तो राम वाली आत्मा है व्यक्तित्व गॉड, राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा जो नेक्स्ट टू गॉड का है वो कोई उनको नहीं कहा है, आत्मा के रूप में नहीं कहा, प्रैक्टिकल पार्ट के रूप में कहा है, चाहे वो संगम जी कृष्ण हो, चाहे वो संगम युग में नारायण हो, चाहे वो शंकर का पाठ हो संपन्न स्टेज में, और चाहे वो प्रजापिता हो, जो व्यक्तित्व है जो पर्सनालिटी है वो एक ही है नेक्स्ट टू गॉड, 2018 में जाकर कृष्ण और स्थल का बुद्धि में बैठेंगे जे गीता की भगवान मैंने शिक्षण पर भोलेनाथ है, 2018 में जाके बैठेंगे सिंपल बैठेगा 2018 में जाके, हाँ जी अच्छा, आज जो उनका जो फॉलोअर्स है जो बेसिक से आकर प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, हाँ? उन लोगों को की नंबर पर बाद में बैठेंगे ना उसी टाइम के अंदर में ही हो जाएगा, जब कृष्ण की आत्मा में ये पाठ प्रत्यक्ष होगा तो उनके फॉलोअर्स भी उनके साथ ही साथ होंगे ना, नंबर वन, नंबर वन, हाँ जो अव्वल नंबर कैटेगरी के होंगे वो पहले जानेंगे, और जो जो धीरे धीरे समझेंगे 2018 का बाद समझेंगे, बाद में समझते रहेंगे, समझने वालों की संख्या चाहे कृष्ण की कैटेगरी के बच्चे हो आत्माएं हो और चाहे राम की कैटेगरी के जन्म देने वाले बच्चे हो, दोनों मिला करके 2036 तक पूरी बात समझ जाए, हाँ तो वो गोपी गल्लभ की गोप गोपियाँ कौन से कौन तक तैयार हो जाएंगी, तो आप बोला 18 में नहीं 18 में हो जाए तो राधा कृष्ण को भी पहचाने देखें,
रावण को परिवार को परिवार में जन्म परिवार में वो जन्म लेगा उसमें सैकड़ों हजारों की तादाद वाले होंगे या थोड़े होंगे वो फिर बढ़ता जाएगा बढ़ते बढ़ते 2036 तक पूरा 16,000 का परिवार हो जाएगा।